प्रदेश पुलिस के एक दरोगा जी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आजकल जिस लखनऊ पुलिस के ऊपर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स तक को रोकने की जिम्मेदारी है, लाठी बरसाने की जिम्मेदारी है, कथित रूप से हिरासत में लिए जाने की जिम्मेदारी है, उसके एक दरोगा जी थाने में बैठकर चरस पीते दिखाई दिए हैं। मास्टर, अच्छा मास्टर, इस सब का मास्टर। हाँ यार, तुम तो बहुत बड़ी डिग्री रखते हो, हम तो छोटे मोटे प्राइमरी क्लास के टीचर हैं। हाँ, प्राइमरी क्लास के हम टीचर हैं। बात करो प्रोफेसर साहब से, हमसे ना बात। अरे हमसे बात करो दुबे, नहीं होगा। हम तो प्राइमरी, और तुम्हारे रहते हमने कैसे एल्युमिनियम फ्लाइल जला डाली है, और के रहे रहे हीरोइन अपने जेब में डाली है। राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाने में एक दरोगा जी चरस पीते दिखाई दिए तो लखनऊ के लोगों में इसे लेकर विरोध शुरू हो गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बहाने यूपी पुलिस की आलोचना की और ये कहा कि जो पुलिस लोगों पर अनुशासन का रौब झाड़ती है उसकी असलियत ये है। सवालों के घेरे में घिरी लखनऊ की पुलिस की जब फजीहत शुरू हुई तो लखनऊ की एडीसीपी प्राची सिंह ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया, जांच बैठा दी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत पहले भी हो चुकी है। लखनऊ से लेकर हरदोई तक दरोगाओं के नशे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो विभाग ने सस्पेंशन किया, इंक्वायरी की, लेकिन मामला ऐसे ही चल रहा है। इससे पहले लखनऊ से 110 किलोमीटर दूर हरदोई में यूपी पुलिस के एक दरोगा जी बीच सड़क पर नशे में झूमते हुए मिले थे। रौब झाड़कर सीनियर से ही कहा, दरोगा कहीं पे भी चेकिंग लगा सकता है, यस और नो। क्या लेता है? नहीं, दरोगा जो है कहीं भी चेकिंग लगा सकता है। नजारा देखकर उत्तर प्रदेश के लोग बोले कि यूपी की पुलिस ऐसे ही नशे में है, लेकिन सारी तस्वीरों में उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा फजीहत का शिकार हो रहा है। जिस पुलिस पर लोगों को नशे से दूर करने की जिम्मेदारी है, जिस पुलिस पर लोगों को अनुशासन में रखने की जिम्मेदारी है, जो पुलिस नियमों का पालन कराने के नाम पर लाठी चलाने, तमाचा चलाने और हड़काने से परहेज नहीं करती, उसके अगर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होंगे तो जनता का आक्रोश साफ दिखेगा। ये बात मान लेनी चाहिए।